नमस्ते, तेरिस किचन में आपका स्वागत है। आज हम लाल साग का पराठा बनाएंगे, चलिए इसे बनाते हैं। मैंने यहाँ 2 कप आटा, लाल साग, घी, 1 चम्मच अजवाइन, 1 चम्मच मंगरेला और नमक लिया है। लाल साग को मैंने अच्छे से धो लिया है, इसे हम बारीक काटेंगे। कटोरा में आटा डालेंगे, 1 चम्मच मंगरेला, 1 चम्मच अजवाइन, स्वाद अनुसार नमक और 2 चम्मच घी डालेंगे। आप घी की जगह पर ऑयल यूज कर सकते हैं और इसे मिक्स करेंगे। इसमें लाल साग डाल देंगे और इसे मिक्स करेंगे। इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और इसे मिक्स करेंगे। इसे बहुत ज्यादा गीला नहीं करना है, इसे पराठे की तरह सौंधना है। इसे 5 मिनट के लिए रख देंगे, इसके गोले बनाएंगे। हम एक गोले को लेंगे, इस पर हम सूखा आटा लगाएंगे और उसे बेलेंगे। इसके ऊपर थोड़ा सा घी लगाएंगे और घी पर हम थोड़ा सा यह आटा लगा देंगे और इसे हम फोल्ड करेंगे। इसके ऊपर भी थोड़ा सा घी लगाएंगे, फिर सूखा आटा लगाएंगे और इसे फोल्ड कर देंगे। अब हम इसे बेलेंगे। इसी तरह हम बाकी के भी गोले को बेल लेंगे। तवा को गर्म करेंगे, इस पर थोड़ा सा घी डालेंगे और इसे फैलाएंगे। इस पर हम पराठे को डालेंगे और इसे मीडियम फ्लेम पर सेकेंगे। इसे हम पलट देंगे, इसके ऊपर थोड़ा सा घी लगाएंगे और इसे मीडियम फ्लेम पर गोल्डन कलर होने तक सेकेंगे। इसे हम पलट देंगे, इसके ऊपर थोड़ा सा घी लगाएंगे। ये दोनों तरफ से गोल्डन कलर का हो गया है, इसे अब हम निकाल लेंगे और इसी तरह हम बाकी के पराठे को सेक लेंगे। लाल साग का पराठा तैयार है। धन्यवाद।